आम आदमी पार्टी की पूर्व विधायक और वर्तमान में कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने तो बदतमीजियों की अब सारी हदें पार कर दी हैं और अब उन्हें इसका खामियाजा सोशल मीडिया और ट्विटर पर ट्रोल होकर देना पड़ रहा है। एक औरत होकर किसी और औरत के बारे में इतना घिनौना बोलने की छूट तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही हो सकती है। तो अब क्या है इसकी सारी कहानी, चलिए आपको आगे बताते हैं। दरअसल अलका लांबा ने 5 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो ट्वीट की। मोदी इस फोटो में संघ की गणवेश में नजर आ रहे हैं। फोटो के माध्यम से अलका ने संघ और भारतीय जनता पार्टी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। यह फोटो को शेयर करते हुए अलका लांबा ने लिखा, संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, पर सच्चाई यह है कि भाजपा के सारे नेता तो संघ की ही नाजायज औलादे हैं। जिसके बाद पूर्व भारतीय एथलीट और बीजेपी की टिकट हरियाणा से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके योगेश्वर ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कांग्रेस नेत्री अलका लांबा को अपने अंदाज में जवाब दे दिया। योगेश्वर दत्त ने ट्वीट करते हुए लिखा, नाजायज पैदाइश कौन है यह तो आपकी बातों से ही लग रहा है, आपकी सोच से आपकी परवरिश का भी पता चलता है। जिस इंसान के लिए आप लिख रही हैं, यह इंसान के लिए देशवासियों का प्यार आपने देख भी लिया होगा, पूरा देश उनके साथ खड़ा है, बस आपके जैसे कुछ मानसिक रोगियों को ही छोड़कर। अब इस पर अलका लांबा ने योगेश्वर और उनके परिवार के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणियां कर डाली और योगेश्वर दत्त के ट्वीट की फोटो शेयर करते हुए लिखा, अबे योगेश्वर दत्त अपनी माँ से पूछ, तेरा बाप कौन लगता है, कौन है? अपने बाप के साथ तुझे डीपी लगाने से शर्म आती है? और जिसके साथ तूने डीपी लगा रखी है, अगर तेरी माँ बोले कि तेरा बाप वही है तो मान जाना कि वही तेरा बाप है, क्योंकि माँ कभी झूठ नहीं बोलती है। इसके बाद योगेश्वर दत्त ने रिप्लाई दिया, सार्वजनिक मंच पर ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाली को जब अपनी गरिमा का ध्यान नहीं है, इनसे मेरी माँ और प्रधानमंत्री के गौरव का ध्यान रखने की आशा मैं कैसे कर सकता हूँ। अब इन सबके बाद ट्विटर पर अलका लांबा की बहुत छींचा लेदर हो गई। तो अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्री जब भारत का गौरव बढ़ाने वाले एथलीट को इस अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही हैं, तो वो आम जनता को किस तरह ट्रीट करती होंगी। महिला होने का इतना भी फायदा नहीं उठाना चाहिए कि अब सार्वजनिक मंच पर देश के जाने माने खिलाड़ी को ही गाली दे दे। इससे यह भी सिद्ध होता है कि आप कितनी निडर हैं, आपको किसी भी गलत कार्य करने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो पीपल्स, आपको क्या लगता है, अलका लांबा की गाली देना सही था या नहीं, मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और लेटेस्ट खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।